हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एट सम सॉल्यूशंस। देखो, ये 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी। आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। इसके साथ अगर आपको और भी ज़्यादा पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना, लेकिन वीडियो को जरूर देखना 4 से 5 मिनट के लिए, आपके बेनिफिट के लिए। पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें जीए और जीके का सेक्शन आता है। बहुत इंस्टीट्यूट आपको तैयारी कराते हैं, बहुत सारे मेटेरियल प्रोवाइड करते हैं, क्या वो रिलेवेंट होता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो देने के बाद चुप जाते हैं, उनको पता नहीं लगता, आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी कराने के लिए कोर्स लॉन्च करते हैं। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इस चैनल को मैंने एक ओरिएंटेशन दिया है जिसमें कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, किसी भी क्लास की, किसी भी ऑनलाइन क्लास की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। दूसरी बात, इसका मैं एक ऐसा रिलेवेंट मैटर मैंने ऑलरेडी पहले से दे रखा है आपको, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैंने जीए के लिए और 11th स्टैटिक पार्ट के लिए, तो मैंने टेलीग्राम पर एक लिंक दी होगी ऑलरेडी, वीडियो में गिवन होगी, वो वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। और इससे पहले काफ़ी स्टूडेंट को ऑलरेडी 15 दिन पहले मैंने प्रोवाइड कर दी थी। तो उनमें एसएससी के जितने भी करंट में और स्टैटिक रिलेवेंट पार्ट में, रिलेवेंट स्टैटिक पार्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी के, केवीआईसी एग्जाम में, वो सभी वहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, आप इधर ना किसी भी हेडक्वार्टर का आपसे पूछ लिया कि वो हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो या फिर आपसे पूछ लिया कि पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एमडी एंड सीईओ कौन है, तो ये सभी चीज़ें जो है रिलेवेंट स्टैटिक पार्ट में आती हैं, और ये सभी मैंने वहाँ पर करा रखी हैं। इसके साथ मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि LIC इंश्योरेंस सेक्टर, ESIC इंश्योरेंस सेक्टर था, इसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इन सभी एग्जाम जो भी मेरे हुए हैं, जीए एंड जीके का मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा है। LIC में मेरे 32 मार्क्स थे, वहीं LIC इंश्योरेंस का पेपर था उसमें 42.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 50, और ये आउट ऑफ 40 थे। इसके बाद SSC के एग्जाम में बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है पढ़ाते हैं, डेफिनेटली देखो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, और मैं नहीं कहता कि मैं एक बहुत सही गाइडेंस दे सकता हूँ आपको। मैं बस ये कहता हूँ कि मैं जो चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो आपको शॉर्ट एंड स्वीट होगा, और आपको सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें मिल जाएंगी। मैं कोई महारत हासिल नहीं है मेरे को किसी भी जीके के सेक्शन में, बट मुझे मार्क्स मेरे आते हैं ऐसा CGL में, CHSL में, जिस भी एग्जाम मैंने अभी तक दिया है उसमें बहुत अच्छा स्कोर रहा है मेरा, और मैं जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं मैंने, उनके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, उन नोट्स को मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगा। बस मेरा मुझे वही करना है, और आप लोगों को उसमें बहुत अच्छा स्कोर होगा। ऐसा CGL में मेरे 40+ मार्क्स है आउट ऑफ 50, जो ऐसा CGL में लाना पॉसिबल नहीं होता। जीके के सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। इसके साथ CHSL में मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, CHSL में 38+ मार्क्स हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 38 से अबव है मेरे मार्क्स, और इसको मैं आपको जो है प्रूफ के साथ दूंगा। और जितनी भी मेरे एग्जाम हुए हैं उन सभी की मैं मार्कशीट कलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको वो सारी चीज़ दिखाऊंगा। इसके बाद RRB का एग्ज़ाम हुआ है, रीजनल रूरल बैंक का, RRB NTPC का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, और मैंने तीनों फेज क्लियर किए हैं, RRB NTPC एंड RRB आपका PO, और दोनों ही एग्ज़ाम मेरे बहुत अच्छा स्कोर रहा है। RRB PO में मेरा 32 मार्क्स रहा था आउट ऑफ 40, जिसमें टोटली करंट आई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको डेफिनेटली आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ जीके में जो आपको स्कोर करा सकती है। अगर आपको फिर भी लगता है कि बाकी स्टूडेंट की तरह ये चीज़ें भी वैसी हैं, तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर एक PDF मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, और वो जो PDF है वो 5 महीनों की करंट की PDF है, और इसके साथ उसमें जो रिलेवेंट स्टेट पार्ट है वो कवर्ड है। तो ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, वन लाइनर PDF है, और आपको जो है बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बहुत सारी जितनी भी एग्जाम में आपके पूछी गई हैं, आपके जो अभी आज से SSC CGL का एग्जाम चल रहा है, तो जो लोग बाद में देखेंगे उनके लिए बता रहा हूँ, SSC CGL KVIC के एग्जाम जो भी चीज़ पूछी गई है अभी तक करंट और स्टैटिक पार्ट में, वो आपको सभी यहाँ पर मिलेगी। इवन SSCHSL LIC SBI आपका RRB NTPC आपके जो भी RRB के एग्जाम होने वाले, बैंकिंग सेक्टर का आपका, RPSC ACF का, स्टेट में जो भी एग्जाम होने वाला है जिसमें आपको करंट का और इंडिया की स्टैटिक GK, इसके साथ वर्ल्ड की स्टैटिक GK जो पूछी जाती है, वो आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ कवर कराऊंगा। ठीक है, तो बस आपको ये है, एक तो ज्वाइन करना है, दूसरा ये है कि जो वैकेंसी जितनी भी आई हुई है किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। मैथ, रीजनिंग, GK और आपका GK में GA पोर्शन, और आपके रिलेवेंट स्टैटिक पार्ट, और स्टैटिक पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब कवर हो जाती है स्टैटिक में। इसके साथ मैथ और रीजनिंग का आपको एडवांस और अर्थमेटिक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगा। अगर आपने वो सभी वीडियो कर ली हैं तो आप ये समझना कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। SSC में, CGL में स्कोर इस बार मेरा बहुत अच्छा है,
और मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, आप खुद देख लेना उसको कि कितना स्कोर था, और आप खुद ट्रस्ट करके उस पर मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। कोई फीस नहीं है, सब कुछ फ्री है, एक रुपया आपको नहीं देना है, कि सिंगल आपको रुपये चार्ज करना है कि आपको 10 क्लास दे दी, उसके बाद 11वीं क्लास से मैं बोल रहा हूँ कि 11वीं क्लास से आपको फीस पे करनी, आपको कोई भी सिंगल रुपये भी आपको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, सारी क्लासेज जो होंगी ऑनलाइन फ्री होंगी, और जितनी भी मैं क्लासेस कराऊंगा सब की सब इंपॉर्टेंट होंगी। प्लीज़ देखो ज्वाइन करना, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको पसंद आए वीडियो मेरे लेक्चर्स की, मेरे कंटेंट की, तो आप प्लीज़ उसको शेयर कर देना, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। हम अननेसरी मैं आपको नहीं कराऊंगा कि कोई रामायण करा दी है, ऐसा कुछ नहीं कराने वाला मैं, सिंपल एक जो मेरे नोट्स हैं उसके बेसिस पे मैंने एक थ्योरी जनरेट की है आपको याद कराने के लिए, आपको समझने के लिए। बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, सबको बच्चा नहीं पढ़ पाता है, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं वो बताऊँगा आपको, वो एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज एक बार ट्रस्ट करके देखना, और जो है शेयर वगैरह कर देना, अगर आपको, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, कोई फीस नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, आप जो है शेयर कर देना, और आपको अगर भरोसा करना है थोड़ा सा और, तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर वहाँ देख सकते हो, वहाँ मैंने ऑलरेडी जो स्पार्क जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने जनरेट की है, स्पार्क जीके, तो स्पार्क जीके वैसे आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी स्पार्क जीके, फिर भी आप टेलीग्राम पर, वहाँ पे मैंने PDF अपलोड की कर रखी है, और इससे पहले मैंने काफ़ी बच्चों को दे रखी है, तो जो बच्चे कनेक्टेड थे उनसे आप पूछ सकते हो कि जो जीके में था उसमें करंट पोर्शन में वो चीज़ें आई या नहीं आई, करंट का आप सिंगल क्वेश्चन, आप ऐसा नहीं था कि एक सिंगल क्वेश्चन आया हो वो उस PDF में मेंशन ना हो, और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट PDF थी, 5 मंथ की PDF थी, और वो लगभग 80 पेजेस में थी, और हर पेज में लगभग 40 से 50 लाइन थी, और वन लाइनर जीके थी, और आप अच्छे से उसको करोगे तो डेफिनेटली आपके क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज़ SSC CHSL और बाकी सब एग्जाम से पहले पढ़ के जाना, LIC वगैरह के स्टूडेंट और बाकी सब, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि एक तो LIC के स्टूडेंट हैं आपके, SBI के स्टूडेंट हैं, RBI के स्टूडेंट हैं, इसके बाद आपके NTPC RRB जो NTPC है, RRB NTPC के स्टूडेंट हैं, और किसी भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं इनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके लिए मैं देखो एक तो DI अलग से कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट DI कराऊंगा, मैंने कुछ वीडियो डाल भी रखी है, शॉर्ट एंड स्वीट DI कराऊंगा, बच्चे फंस जाते हैं, तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को शॉर्ट हम टिप से कर सकते हैं। इसके बाद SSC के जितने भी फेज होते हैं, CG है, CHSL है, CPO है, GD है, MTS है, तो वो सभी मैं यहाँ पर प्रिपेयर कराऊंगा आपको, इंग्लिश में ओनली मैं आपको वॉकअप कराऊंगा, इंग्लिश में बाकी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, इंग्लिश में मुझे वॉकअप बहुत अच्छे से आती है, तो मैं वॉकअप कराऊंगा, बाकी सब चीज़ें जो हैं दूसरे जो सर हैं अगर मुझे कोई मिल पाते हैं इतने अच्छे जो वास्तव में अच्छे करा सकते हैं, उनके मार्क्स अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली मैं उनसे करवाऊंगा आपको। और ये SSC इसके साथ जितने भी एग्जाम और बनते हैं DRDO MTS का, तो प्लीज़ DRDO MTS वगैरह के लिए तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हो। दिल्ली फॉरेस्ट का एक एग्जाम होने वाला है, RPSC ACF का, मैं खुद आपको RPSC ACF के लिए ऑप्शनल मैथ पढ़ाने वाला हूँ, ऑप्शनल मैथ एक अलग चीज़ है, और मैथ एक अलग चीज़ है, और एडवांस मैथ एक अलग चीज़ है, तो मैं तीनों ही यहाँ पे कवर करूंगा, और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एंड ट्रिक के साथ कवर करेंगे, फ्री होगी, कोई चार्ज नहीं देना, बस आपको शेयर करना है। तो प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो 1-2 मिनट ज़्यादा हो गई है, तो थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन होना, ओके गाइज़।